हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका और स्वागत है आपका हमारे चैनल किचन क्राफ्ट एंड नेचर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। ये जो लड्डू है घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं और बहुत ही कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बनाने में ये बहुत ही इजी, खाने में बहुत टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 कटोरी बेसन। ये जो बेसन है थोड़ा सा दरदरा सा बेसन है, ये बारीक नहीं है। 1 कटोरी चीनी का बूरा लिया है, 3 कटोरी बेसन है और 1 कटोरी घी है। ये जो है इसकी रेशो यही होनी चाहिए, इससे जो है लड्डू जो है आसानी से बन जाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए घी गरम करते हैं। ये सारी कटोरी हम घी की एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम घी बचा लेंगे। घी गरम हो गया है और डाल देते हैं बेसन, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। बस इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, धीरे धीरे इसको हमें चलाते ही रहना है। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें थोड़ा घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, 2 चम्मच और ऐड किया है घी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे बेसन हमारा भुनता जाएगा वैसे वैसे जो है इससे अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी पतली हो जाएगी। आप देख रहे हैं पहले कैसा था और अब ये कैसा हो रहा है। तो ये बिल्कुल अपना सारा घी जो है रिलीज कर देगा, बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन भुनकर बिल्कुल तैयार है और गैस जो है हमने ऑफ कर दी है और इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। देखिए चलाते रहेंगे इसे, चाहे तो आप इसे एक अलग प्लेट में भी निकाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है कुछ कटे हुए और थोड़े से काजू, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। आप इसे चाहें तो डालें, ना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब रहता है। बेसन काफ़ी ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे मैं बेसन में जो है उंगली लगा पा रही हूँ, तो ऐड कर देंगे इसमें शुगर पाउडर। हमें गर्म में शुगर पाउडर ऐड नहीं करना है क्योंकि ये भी मेल्ट हो जाएगा, लड्डू बनाने में जो है फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बस आपको जो है ये शुगर पाउडर जब बेसन ठंडा हो जाए तभी इसमें ऐड करना है। तो शुरू करते हैं लड्डुओं को बनाना और इसका आप जो आप साइज है वो बड़ा छोटा जैसा भी आप चाहें वैसा रख सकते हैं। दोनों हाथ से बनाएं, एक हाथ से, जैसे भी आपको इजी लगे आप बनाएं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना देंगे। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और देखिए जैसा भी आप इसको शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे देखने में लगेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ और इसे और अच्छी सी लुक देने के लिए हम इस पे रखेंगे ये खरबूजे के बीज, जिसे मगज भी कहते हैं। और ये देखिए हमारी जो है दोनों तरह से हमारी मिठाइयाँ बनकर बिल्कुल तैयार है। बेसन की मिठाई जो है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।